फीट बाय 55 फीट में बना हुआ है एक सिंपल घर का जो है नक्शा आज आपको दिखाना चाहते हैं। इस घर में टोटल दो बेडरूम, यहाँ पे फर्स्ट वाला बेडरूम यहाँ पर। कॉल 8095615113 फॉर हाउस प्लान्स। 3D फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एनिमेशन वॉक थ्रू, RCC स्ट्रक्चरल डिजाइन, इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग एंड प्लम्बिंग ड्रॉइंग। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल। किचन आ जाता है और कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, एक हॉल दिया हुआ है एंड साथ ही साथ स्टेप्स बाहर की तरफ और एंट्रेंस के लिए पूरा फुल पैसेज एरिया दिया हुआ है। तो इस तरह से एक सिंपल ब्यूटीफुल प्लान जो है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिएगा वीडियो को पूरा अंत तक एंड यदि आप नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस किसी को भी हाउस प्लान की ज़रूरत है संपर्क कर लीजिएगा मोबाइल नंबर 8095615113 पर। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्लान के बारे में। दोस्तों ये है फुल व्यू और हमारे सर्विस में प्लान, फ्रंट एलिवेशन, 3D इंटीरियर, 3D एक्सटीरियर, ये सब सर्विस अवेलेबल है। एनिमेशन वॉक थ्रू घर कैसा दिखता है बोल के, ये एंट्रेंस यहाँ पर स्टेप्स दिया गया 7x6'9" में एंट्रेंस, उसके बाद एक वरंडा दिया गया, सामने की तरफ भी स्टेप्स आ जाते हैं और नॉर्मल बाइक पार्किंग दिया हुआ है और आपकी नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर की तरफ स्टेप्स सेप्टिक टैंक आएगा इसके नीचे ही। फिर उसके बाद ये हॉल एरिया 15x10' में एक हॉल, यहाँ पे सिटिंग पोजीशन आएगा, इधर टीवी रखने के लिए जगह हो सका तो और एक छोटा सा हैंड वॉश भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इधर से देखिएगा एंटर करते हैं बेडरूम नंबर 2, 10x11 का दूसरा वाला बेडरूम। वार्डरोब रखने के लिए जगह यहाँ पर मिल जाता है ये कोने से और आपका पलंग यहाँ पर बैठ जाएगा। इस तरह का पलंग चाहे तो कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पलंग जैसे कि वन साइड हेड वो भी ले सकते हैं, लाइक ये आता ना ये वाला चीज़। और उसके बाद यहाँ से आप चलते हैं डाइनिंग एरिया। सो डाइनिंग एरिया की साइज 10x7'6" का मिल रहा है जो कि वो ऑटोमेटिक मिल जाता है और चाहे तो एक छोटा सा दरवाजा भी ले सकते हैं, कुछ काम रहा यहाँ पर क्लीनिंग। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, देखिएगा जब आप घर बांधते, देखो ये क्लीनिंग करने में बहुत दिक्कत होता है आप लोगों को छोटी सी जगह पे, बट प्लॉट का साइज़ भी काफ़ी छोटा है तो उसकी वजह से एडजस्टमेंट तो कर लेना पड़ता है। यहाँ पर यह कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, ये शावर पॉइंट दिया गया, यहाँ पर आपका हेड शावर आ जाएगा और ये आता आपका टॉयलेट सीट का पोजीशन है जो कि साउथ की तरफ बैक आ जाएगा, फ्रंट जो है नॉर्थ की तरफ। इधर कॉर्नर पे एक हैंड वॉश दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिएगा पहला वाला बेडरूम जो कि 9 फीट इस तरह से है और ऐसा जो है 13 फीट का। तो अभी इसमें कमी की क्या बात है, विंडो है सो वो सब ऐड करना बाकी है एंड यहाँ पर आ जाता है किचन। तो सत्यो ये था इस तरह का घर का एक नॉर्मल लुक। इस घर का जो फुल व्यू भी आप लोग देख लीजिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप है या फिर फ़ोन पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, पेड सर्विस अवेलेबल है। तो ओवरऑल व्यू की देखें तो प्लान एक सिस्टमेटिक डिसेंट तरीके से बना हुआ एंड यहाँ पर भी जो लैंडिंग दिया गया, यहाँ पर भी 6 इंच का जगह दिया हुआ है, उधर से भी एकदम टच नहीं होना, बाजू वाले भी घर वाले अगर टच करके बांधे समझो तो दोनों को आपत होता, दिक्कत होता क्लीनिंग करने में, गिलावा करने में वो सब। सो दोनों मिलके एक 6 इंच का गैप रख लीजिएगा, 6-6 इंच मतलब 1 फिट का गैप हो जाता। अगर प्लास्टरिंग करना है तो भी थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट करके आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्लान दिया हुआ है। तो ऐसा था ये वाला एंड इसका टोटल कुल बजट की बात करें तो 10 लाख के अंदर आप लोग बांध सकते हैं। कॉलम के पॉइंट्स करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 12 कॉलम के अंदर आप लोग बांध सकते हैं। तो लगभग ये 1100 स्क्वायर फीट का एक नक्शा अपन दिया हुआ है। आपकी भी क्या रिक्वायरमेंट है कमेंट बताइएगा, अगर आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई प्लान अवेलेबल है तो हम आपको ज़रूर हम अपलोड करेंगे डेफिनेटली। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।